पिछले वीडियो में मैंने आपको सवाल नंबर 26 तक बता दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में सवाल नंबर 26 के आगे बताऊंगा। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 26 कह रहा है 26 तक तो हो गया 27 नंबर। 27 कह रहा है क्या, एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 24 बच्चे बच गए। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। छात्रों की संख्या क्या अंतर है, बहुत आसान है बाबू। देखिए ये 27 नंबर लेंगे, छात्रों की अभी संख्या बराबर 24 × 25 अर्थात 600 जो ये आंसर। ठीक है, क्या हो गया ये आंसर। मैं लिख सकते हैं या फिर ऐसे इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा। ठीक है अथवा, ठीक है देखना नहीं अथवा में छात्रों की अभीष्ट संख्या बराबर दोनों ही परिस्थितियों में छात्रों की संख्या का गुणनफल अर्थात पहला स्थिति में 24 बचे थे, फिर कितना बच गया 25 को, तो 24 में 25 से गुणा किया तो कितना आया 600, ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगले सवाल को मैं बताऊंगा। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई जो है आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x, तो ऊंचाई कह रहा है आधार से कितना कम है जी, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 देंगे। प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है 30, ठीक है, या 1/2 आधार कितना है x से, ऊंचाई कितना है x माइनस 7 है बराबर 30। ठीक है, तीछा तीछी गुना कर दीजिए, 2 × 30 = 27, x में 1 से गुना किया x स्क्वायर, x में 7 से 7 है, 30 × 60 या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, -60 = 0। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि एक 7 सॉरी अधिक है बाबू, कम नहीं अधिक है तो प्लस होता है, कम रहता तो क्या रहता माइनस, प्लस में होगा। ठीक है, अब चलिए गुणनखंड कीजिए इसका, 60 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने के बाद 60 और जोड़ घटाव करने पर 7, 12 × 5 = 60, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x, 12 में से 5 गया 7, 12 × 5 = 60, माइनस 60 बराबर 0 या x × x + 12। ठीक है, देखिए x में x x स्क्वायर, 12 में x है 12x माइनस 5, ठीक है × x + 12 = 0 या x − 5 × x + 12 = 0। देखेंगे जब x − 5 = 0 तो x = 5, फिर लिखेंगे जब x + 12 = 0 तो x = −12, x = क्या आया ये बाबू याद रहेंगे, असंभव है, क्यों, क्योंकि
भुजा तेरी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आधार बराबर पाँच। आधार एक्स माने है, आधार क्या माने है एक्स, ठीक है, आधार हो गया एक्स का कितना है पाँच सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई का माने है एक्स प्लस सात अर्थात एक्स का मान पाँच या प्लस सात पाँच 12 सेंटीमीटर, ये हम लोगों का हो गया आंसर। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सवाल नंबर 29 देखें क्या कर रहा है, कह रहा है क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, यदि हाँ तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसी आम का बगीचा, आम का बगीचा कैसा होता है बाबू, आयतकार होता है, कैसा होता है आयतकार होता है, ठीक है, तो मान लीजिए 28 के बाद 29 नंबर, कितना 29 नंबर, हाँ, यदि लंबाई जो है कह रहा है चौड़ाई से दुगुनी है, तो माना कि आयतकार बाकी, आयतकार बाग की चौड़ाई क्या मान लीजिए, चौड़ाई बराबर x मीटर, क्या मान लिया मैंने x मीटर, क्या माना मैंने x मीटर, तो कह रहा है लंबाई बराबर, तो लंबाई दो गुना है तो दो में एक से गुना किए तो क्या आया दो एक्स आया, क्या आया दो एक्स आया, और ये भी कोची में मीटर में, ठीक है, कोची मीटर में लेंगे प्रश्न से। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 800 दिया है मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लंबाई कितना है माने हम लोग 2x, चौड़ाई कितना माने x अर्थात 800, गुना किए तो 2x कम 2x स्क्वायर बराबर 800, या दूसरे का दो चौके 400, या x स्क्वायर बराबर क्या आया 400, या x बराबर रूट अंडर 400, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 400 का 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा, इसलिए बाकी लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर क्या है 2x है, यानी कि 20 गुने 2, 20 गुने 2 बराबर 40 मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर, क्या आया आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर मैं आपको फिर से दोबारा पढ़ें, फिर से आगे अगले वीडियो में आपको कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए 30 नंबर कह रहा है, 30 नंबर क्या ये भाई जी कह रहे हैं क्या, मैं एक आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो, ठीक है, इस प्रकार इसका इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, क्या ऐसा पार्क बना पाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या, फिर से समझिए, मैं कहता था जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है, तो माना कि आयताकार, सवाल नंबर हो गया 30, माना कि आयताकार पार्क की जी लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई हो जाएगा x माइनस 3 सेंटीमीटर, x माइनस 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि कह रहा है इसका जो कह रहे हैं बाबू चौड़ाई जो है लंबाई से कितना, जो इसके चौड़ाई है लंबाई से कितना कम है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार
पार्क जिसका आधार एहतियात पार्क के चौराहे से बराबर है। देखेंगे त्रिभुजाकार पार्क का आधार बराबर x माइनस 3 सेंटीमीटर का है, क्योंकि चौराही और त्रिभुजाकार पार्क का जो चौराहा दिया है वो त्रिभुजाकार पार्क के आधार के बराबर दिया है। ठीक है, ठीक है। इसलिए इसका ऊंचाई कितना दिया जी? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अब देखेंगे, इसलिए प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रश्न से ठीक है, कह रहा है जी, कह रहा है क्या प्रश्न? त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, प्रश्न कह रहा है आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से कितना मीटर अधिक है? बाबू 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो पहले काम कीजिए, अब लेंगे त्रिभुजाकार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालिए, फिर त्रिभुजाकार क्या निकालिए। लेंगे प्रश्न से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आपके क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x गुण x माइनस 3 अर्थात x स्क्वायर माइनस 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वही लिखेंगे अब, तथा त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार x माइनस 3 माने है, ऊंचाई 12 है, 2×6 = 12 अर्थात हो गया x माइनस 3, एक से गुणा किए 6×6 = 36 ठीक है, 36 = 18 ठीक है। लेंगे इसलिए अब प्रश्न से ठीक है बाबू। देखिए कह रहा है क्या प्रश्न है, जो पहले कह रहा था इससे त्रिभुजाकार पर क्षेत्रफल जिसका राज बराबर है, कह रहा है कि चौड़ाई से बराबर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल x स्क्वायर माइनस 3x है, ये जो है ये त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जो है इससे कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। ठीक है, या चलिए हल कीजिए इसको, x स्क्वायर माइनस 3x और चलिए बराबर 6x है, आई हो जाएगा माइनस 18 या प्लस 4। ठीक है, या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x बराबर माइनस 14, ये इस पर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x 6×3 = 9, आई हो जाएगा प्लस का 14 बराबर 0, 7×14 है 7×2 = 9। ठीक है, या चलो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 बराबर 0, x इंटू x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 7 बराबर 0, या x माइनस 2 इंटू x माइनस 7 बराबर 0, या लेकिन जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया? 2। लिखें जब x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 नहीं 7, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। चलिए देखिए बाबू कह रहा है कि इसका लंबाई कितना है, लंबाई अगर हम मान लें 2 मानेंगे तो तुरंत चौड़ाई ऋणात्मक आ जाएगा, इसलिए हम लंबाई 2 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे?